सिटीजन पोर्टल से आजाद निवास बनाने पे आपको भुगतान कहाँ से करना होता है, पेमेंट कैसे कटाएं? तो आजाद निवास ऑनलाइन करने के बाद इसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका आया है वेलकम टू NSDL पेमेंट गेटवे। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए पेमेंट फ्रॉम, यहाँ पे जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है IDST का, आपका नाम लिखा रहेगा। पेमेंट टू यहाँ पे CEG गवर्नमेंट ऑफ UP अकाउंट यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अमाउंट दिया है ₹15, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड यूथ विथ पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे पेमेंट विथ सॉरी प्रोसीड विथ पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए बिल डेस्क आ गया है। अब यहाँ से आपको किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI। तो हम QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम QR पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको भीम UPI सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट फॉर 15 यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए ये QR आपको स्कैन करना है, तो आप जैसे QR स्कैन करेंगे आपका ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो हम पेमेंट कर रहे हैं अभी। जैसे आप पेमेंट कटाएंगे यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा, इनकम यहाँ पे आपका नाम दिया रहेगा, ट्रांजेक्शन ID, इसके बाद अमाउंट। तो यहाँ आपको सुरक्षित करें पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, पावती रसीद आ जाएगा। तो ऐसे आप सिटीजन पोर्टल से जो आजाद निवास बनाते हैं उसका पेमेंट इस माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।